हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू बुलेट। चंद्रयान ने खोल दिए भारत को वीटो पावर मिलने के सारे बंद दरवाजे। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भारत को मिलने लगे हैं बड़े संकेत। जल्द पूरा होगा 140 करोड़ भारतीयों का वीटो वाला सपना। चंद्रयान 3 का लेटेस्ट वीडियो देखकर भारत की तरफ दौड़े कई देश। चीन बोला, इसरो के साथ काम करने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार। भारत कर सकता है वीटो की डिमांड। दुनिया भर में भारत के बढ़ते दबदबे को देख यूनाइटेड नेशंस भी बोल पड़ा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। यूएनजीए के अध्यक्ष ने भारत पर किए कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे। भारत को वीटो पावर देने के लिए ब्रिक्स में भी उठने लगी है आवाज। रूस और यूएई पहले ही कर चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में भारत का जोरदार समर्थन। चीन पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो भारत के वीटो के लिए तैयार हो जाए। आखिरकार प्रज्ञान रोवर ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद इसरो को भी नहीं थी। मात्र 615 करोड़ खर्च करने पर अब इसरो पर करोड़ों डॉलर लुटा रहे हैं दुनिया भर के बड़े बड़े देश। इसरो और चंद्रयान को लेकर जापान के विस्फोटक ऐलान से पूरा भारत हैरान। चांद पर जल्द पहुंचने वाला है एक भारतीय एस्ट्रोनॉट। मिशन चंद्रयान 4 और मिशन चंद्रयान 5 में होगा बहुत बड़ा धमाका। चंद्रयान 3 के लेटेस्ट वीडियो को देखकर चीन ने भारत के आगे जोड़े हाथ पांव। तो दोस्तों, भारत का चंद्रयान मिशन क्या सफल हुआ, दुनिया के तमाम देश भारत के पीछे पीछे भाग रहे हैं। यही नहीं, वो यूनाइटेड नेशंस जो इतने सालों से भारत को वीटो पावर देने में अड़ंगा डाल रहा था, अब वो भी लाइन पर आ गया है। और अब यूनाइटेड नेशंस चीफ के बोल भी कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने जो इतिहास रचे हैं और जो नए नए कारनामे करके दिखाए हैं, उससे पूरी दुनिया हैरान है। और पूरी दुनिया ने मान लिया है कि आने वाले दिनों में भारत एक सुपर पावर बनकर उभरेगा। और भारत के इन्हीं कारनामों ने यूनाइटेड नेशंस को भी एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष साबा कुरैशी ने अब भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत जैसे देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले भी कई बार यूएनएससी में शामिल होने को लेकर भारत की मांग की जा चुकी है। ऐसे में साबा कुरैशी का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता पूरी दुनिया में गूंज रही है और उसकी ये गूंज यूनाइटेड नेशंस के दरवाजों पर भी खटखटा रही है। यूनाइटेड नेशंस के स्थायी सदस्य के रूप में अब भारत की वकालत करते हुए साबा कुरैशी ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि भारत को भी यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर बनाकर उसे वीटो पावर दे देनी चाहिए, क्योंकि भारत के ग्लोबल रुतबे से सब वाकिफ हैं और अब वो समय आ चुका है कि भारत को भी ये पावर दे दी जाए। साबा कुरैशी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उन देशों की बहुत जरूरत है जिनके पास शांति और लोगों की भलाई के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में भारत उन देशों में से है जो दुनिया की भलाई में योगदान कर सकता है। कुरैशी ने आगे कहा कि जब यूएनएससी बनाया गया था, उस समय भारत सबसे बड़े नामों में से एक नहीं था, लेकिन आज भारत उस स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में यूएनएससी में सुधार होगा और भारत जल्द से जल्द इसमें शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सुधारों को लेकर 13 सालों से बातचीत चल रही है। सुरक्षा परिषद में सुधार की संभावित आवश्यकता पर पहली चर्चा 40 साल पहले हुई थी, तो ये वास्तव में अब भी चर्चा का सबसे अच्छा समय है, लेकिन ये सदस्य देशों के हाथों में है। यदि सदस्य देश इस बात पर सहमत होते हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार कैसे किया जाए, किसको परमानेंट मेंबर बनाया जाए और वीटो के अधिकार और किन देशों को देने चाहिए, तो इसके बारे में बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन चीन हर बार इसमें अड़ंगा डालता रहता है, जिससे कि दोस्तों भारत के लिए काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साबा कुरैशी ने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए शायद सबसे सक्रिय देशों में से एक है जो आवाज़ उठा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को भविष्य का संभावित महाशक्ति बता डाला। इस दौरान यूएनजीए चीफ ने कहा कि जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी पर उन्होंने कहा कि वो एक दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं जिनके पास एक अच्छी रणनीतिक सोच है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक भी की थी
जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिए हैं। दोस्तों, एक तरफ तो जहां यूनाइटेड नेशंस को भी समझ में आ गया है कि भारत के बिना उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो वहीं दोस्तों चंद्रयान 3 की सफलता से पूरी दुनिया हैरान है और अब भारत का दुश्मन चीन भी भारत के पीछे पीछे आ रहा है। चीन ही नहीं दोस्तों, पश्चिमी देश जो भारत को कुछ समय पहले तक गंवार कहा करते थे, वो भी अब स्पेस के जगत में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद से अब कई दुश्मन देशों की अकड़ ढीली होते दिख रही है और इसी कड़ी में हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला ग्लोबल टाइम्स के सुर भी बदल गए हैं। वो भारत के साथ ब्रिक्स और SCO के तहत चांद मिशन को लेकर सहयोग के सपने देख रहा है। ग्लोबल टाइम्स के रुख में ये बदलाव चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद आया है। चीन भले ही चंद्रमा पर अपना लैंडर उतार चुका है, लेकिन वो भी दक्षिणी ध्रुव पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर को उतारने में कामयाब रहा है। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने भारत की इस कामयाबी की जमकर प्रशंसा की है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत और चीन ब्रिक्स और SCO के तहत मून एक्सप्लोरेशन में सहयोग को बढ़ा सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने भारत की इस उपलब्धि की सराहना की है। उन्होंने भारत से वैज्ञानिक उन्नति की खोज में भू राजनीतिक योजनाओं को शामिल करने का त्याग करने का आह्वान किया। चीन द्वारा भारत के लिए ये जो मीठे मीठे बोल बोले जा रहे हैं, इससे साफ पता चल जाता है कि अब स्पेस के जगत में चीन भारत का साथ चाहता है। चीन द्वारा कहा गया है कि हमें खुशी होगी कि हम भविष्य के स्पेस प्रोजेक्ट्स में भारत के साथ मिलकर काम करें और अंतरिक्ष खोज और मानव युक्त मिशन के लिए डेटा साझा करना, अनुभव बांटना और अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग पर दोनों देश एक साथ काम कर सकें। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी हद तक एक अज्ञात क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें बड़ी मात्रा में पानी की बर्फ मौजूद है। अगर इसकी आसानी से खोज कर ली जाती है तो भविष्य के क्रू मिशंस के लिए रॉकेट ईंधन और जीवन के लिए खनन किया जा सकता है। चीन भी इस क्षेत्र पर नजर रख रहा है, क्योंकि वो अपने भविष्य के मून मिशंस को आगे बढ़ा रहा है और वो अब भारत का साथ चाहता है। साथ ही साथ दोस्तों, जापान भी भारत के साथ मिलकर अपने आगे के स्पेस प्रोजेक्ट्स करना चाहता है। नासा ने भी दोस्तों ऐलान कर दिया है कि वो इसरो से कॉन्टेक्ट में है आगे के स्पेस प्रोजेक्ट्स को लेकर। इसमें दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या भारत को चीन की मदद करनी चाहिए स्पेस प्रोजेक्ट्स में? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।